मानवता की सेवा करना सभी का फर्ज है और यही संदेश हर धर्म में दिया गया है। हमारे देश में करोड़ों लोगों को आज भी दो वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है, पर करण नगरी में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें अपने पेट से ज्यादा दूसरों के पेट भरने से आनंद मिलता है। यहाँ समिति द्वारा लोगों के लिए पहले घर पर खाना बनाते हैं, फिर 10 रुपए में भरपेट भोजन कराते हैं। कोई वैन तो कोई रेडी या स्टॉल लगाकर हाइजीनिक भोजन उपलब्ध करा रहा है। जेबीडी समाज कल्याण समिति की ओर से चलाई जा रही अपनी रसोई का कार्यक्रम आज पुरानी सब्जी मंडी चौक के समीप आयोजित किया गया, जिसमें रेड़ी फड़ी वाले व अन्य गरीब जरूरतमंद लोगों ने पहुंचकर 10 रुपए में नाश्ते का लुफ्त उठाया। गौरतलब है कि जेबीडी समाज कल्याण समिति की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अंत्योदय योजना से प्रेरित होकर अपनी रसोई कार्यक्रम चला रहे हैं और सस्ते में खाना उपलब्ध कराकर पुण्य से भागीदारी बन रहे हैं। जेबीडी कल्याण समिति के चेयरमैन भारत भूषण कपूर ने बताया कि समिति द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य किए जाते हैं। क्या लगा है सेवा में? ईश्वर की कृपा है, उनकी कृपा से चल रहा है काम सारा, काम हो रहा है जेबीडी समाज कल्याण समिति का। बीच में दो बार रसोई लगाई नहीं गई, एक बार तो राजीव गुप्ता जी का हो गया था इंतकाल, उसमें लोगों की तरफ से बात आई थी, अच्छा नहीं लगता सोबर था, शहर के एक मौजूद हस्ती थी, उस वजह से कैंसिल करना पड़ा। दूसरी बार प्रधानमंत्री जी की रैली थी तक में, उसमें काफ़ी सारा साथ थे। अब कंटिन्यू रहेगी। 22 तारीख को हमारा रक्तदान शिविर लग रहा है राजघराना में, हाँ जी हाँ जी, उसके लिए भी अपील कर रहे हैं सबको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें। आप भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करना लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे 9 बजे, अपना रजिस्ट्रेशन करा के रक्तदान करें, बड़ा पुण्य कार्य है। उस दिन भी लगेगी और आगे भी कंटिन्यू रहेगी, रात्रों में भी रहेगी। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।